हर हर महादेव। कितनी एनर्जी है, इसके कारण यह है कि अभी मैं उज्जैन में हूँ और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अब वापस घर की ओर। तो फाइनली घर की ओर जा रहे हैं। यात्रा का समापन हो चुका है, अब ये यात्रा रहेगी यहाँ से दिल्ली की ओर। अब दिल्ली जाएंगे हम वाया कोटा होते हुए, कोटा राजस्थान वाले रास्ते से दौसा होते हुए सीधा एक्सप्रेसवे को पकड़ेंगे अपना, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसको पकड़ के सीधा दिल्ली जाएंगे। कल पहुंचेंगे, रात भर सफ़र करेंगे, आराम से रेस्ट भी करेंगे, फिर सारा सफ़र दिखाएंगे आपको। ये अब ये रूट कैसा है, और अभी तक तो बहुत बुरा रूट मिला था ना, बहुत ज़्यादा, अभी तक बहुत अच्छा रूट नहीं मिला, अब ये देखते हैं ये रूट कैसा है। चलिए, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। तो जी, एक घंटे के जाम के बाद हम लोग जो हैं, एक घंटा जाम है, जाम हुआ हाईवे पे, वो जाम किया हुआ था यहाँ के गांव वालों ने, एक मर्डर हो गया है और उस मर्डर के इंसाफ के लिए वो लोग जाम लगाए हुए थे, पूरे हाईवे को जाम लगा, ब्लॉक कर दिया था, पूरा ब्लॉक किया था, बंधन में बंध दिया था उनको। तो अभी डीएम एसडीएम तहसीलदार ये सभी जो है अधिकारी आए हैं, अधिकारियों के आने के बाद में, अधिकारी के आने के बाद में फिर जाके जाम कहीं ना कहीं ये खुलवाया है। पुलिस थाना घटिया मतलब पुलिस थाने का नाम ही है, घाटिया है। अच्छा, घाटिया तो आका डंडा तो लगा नहीं है। तो जी, हम आ चुके हैं अब राजस्थान की सीमा में, मध्य प्रदेश हमने क्रॉस कर लिया है और हम आ गए हैं राजस्थान में। और राजस्थान में आते सामने जो नज़र आ रही हैं मुझे, पवन चक्कियाँ, वाह जी वाह, वाह जी वाह, और ये बिजली बना रहे हैं। एमपी में भी पवन चक्कियाँ थी, राजस्थान में भी पवन चक्कियाँ हैं, बस दिल्ली में ही नहीं है, दिल्ली में पवन चक्की नहीं है, दिल्ली वहाँ पे सिर्फ पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन चक्की है वहाँ पे, जी वहाँ पे पॉल्यूशन बनता है दिल्ली के अंदर तो सबसे ज्यादा। आ चुके हैं रायपुर के अंदर, और ये रायपुर वो नहीं है मध्य प्रदेश वाला, ये रायपुर है राजस्थान वाला, झालावाड़, जिला झालावाड़। तो हम झालावाड़ पहुंचने वाले हैं, एटलीस्ट पहुंच ही गए लगभग। उसके बाद आएगा कोटा, हम राजस्थान की सीमा में दोबारा से आ गए। बीच में राजस्थान पड़ा, बीच में एमपी से क्रॉस करते राजस्थान में आए, उसके बाद फिर दोबारा से एमपी में आ गए थे, फिर से हम राजस्थान में आ गए।
प्रभु की माया देखो। तो जी हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 52 को से कनेक्ट किया है हमने, जो कि हमें कोटा की ओर लेके जाएगा। हम आ गए हैं कोटा टाइगर रिजर्व पार्क, ये टाइगर रिजर्व पार्क है। देखो जी ये है हिस्ट्रिकल पैलेस है बहुत अच्छा, और सामने देखो एक क्या ये राजस्थान का जो कल्चर है वो आएगा। ये देखो वाह गजब वीराना, ऊपर से राजा महाराजा देखेंगे। ये को किला है ना। समय हमारे पास अभी है नहीं इतना, नहीं तो हम जरूर जाते किला देखने। अच्छे 6 बजे हो सकता बंद हो जाता हो। ऐसी जगहों की तो हमें वैसे भी बहुत खोज रहती है। हम तो है ना वैसे ढूंढते हैं बहुत ऐसी जगह में आत्माएं होती है कि कहां पे कौन सा भूत मिले हमें और कब हम उससे बातें करें। और कोटा शहर के अंदर है, गाड़ी थोड़ा सा शहर में डुबा दी है अंदर। ये देखो ये क्या भाई साहब, ये पृथ्वी बड़ा सुंदर लग रहा है, वो डुबजुब कर रहा है, बहुत बढ़िया शहर, तो बहुत पॉश है। तभी मैं कहूँ कि लोंडे लफांडे ये लड़के लड़कियाँ ये कोटा में पढ़ने क्यों जा रहे हैं, बाकी जगह पढ़ने की जगह क्यों गई। कोटा इसलिए पढ़ाई के लिए फेमस है। जी वाह हमारे कोटा शहर के बिल्कुल सेंटर में, ये देखिए जबरदस्त कितना सुंदर है। वैसे तो ना शहर ऐसे इसको कहा जाता है, ये डिजाइन किया है भैया, ये डिजाइन किया है। दिल्ली जैसा नहीं है कि हमारा जो दिल्ली मशहूर है ना वो सिर्फ पोल्यूशन के लिए मशहूर है, कि अगर किसी को मरना हो तो दिल्ली में आके रह लो। दिन में मजा आता भाई साहब, तो फिर दिन वाकई में दिन में आना चाहिए था, पर यहाँ तक हम है ना नाइट में पहुँचे हैं ना। फिर तो हमें ना कहीं पार्किंग में गाड़ी लगा के फिर थोड़ा घूमते भी यहाँ का।
तेज बारिश हो रही है जी, लगभग 12 बज चुके हैं और अभी हम हैं जयपुर और टोंक के बीच में। बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। देखो आए साउंड आ रहा है ना कितना, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में पार्किंग इंडिकेटर देकर हम धीरे धीरे गाड़ी बढ़ा रहे हैं। तो जी हम अब कनेक्ट हो गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। 274 किलोमीटर दूर है और हमारा घर, टोटल घर की लोकेशन डाली है और लगभग सुबह 7 बजे का टाइमिंग दिखा रहा है पहुंचने का, अभी 5.5 घंटा। तो भैया 5.5 घंटा हम अभी हमें पहुंचने में लगेगा, तो अभी बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे। सुबह 9:30-9:30 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे, बीच में थोड़ा सा आधा 1 घंटा रेस्ट करेंगे, देखते कहाँ करते हैं रेस्ट। बाकी वहाँ से लेकर जयपुर बाईपास तक तो ठीक है, जयपुर बाईपास के बाद में गूगल हमें ले गया स्टेट हाईवे में, स्टेट हाईवे चले गया गांव के अंदर, इसलिए भरोसा बिल्कुल नहीं करना इसके ऊपर। तो हाईवे कभी नहीं छोड़ना चाहिए नाइट में, हालांकि यहाँ वो ज़्यादा भी सेफ नहीं था बट ठीक था। कहते कि फिर भी आप हाईवे जाओ, कभी भी स्टेट हाईवे को कभी कनेक्ट मत करो नाइट में, कुछ भी हो सकता है भैया, प्रभु की माया, क्योंकि है ना भूतों पे भरोसा करा जा सकता है, इंसानों पे नहीं। तो मगर और एक चीज़ और है थोड़ा सा इस ट्रिप में, एक चीज़ हमने देखी है कि ऊँचे बड़े टायरों वाली गाड़ियाँ इसलिए लेते हैं लोग ताकि हम रफ रोडिंग में भी अगर आए तो रफ रोडिंग में भी किसी तरह का कोई समस्या ना उत्पन्न हो। तो जी अभी हमने कनेक्ट किया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलते हैं हम, उसके बाद हम दिल्ली पहुंचेंगे सुबह सुबह मॉर्निंग में, दिखाते हैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सफर। हर हर महादेव। तो जी सुबह का लगभग 7:14 हो गए, हम हैं एक्सप्रेसवे पर, ये देखिए नेशनल हाईवे दिल्ली मुंबई हाईवे पे है। 40 किलोमीटर हम एंटर कर चुके थे दोसा से और यहाँ पर रात को CNG टॉपअप कराई है, उसके बाद पूरी रात यहीं सोए हैं 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, चाय वाय पिए हैं, फ्रेश हुए, हम यहाँ से निकल रहे हैं हम आगे अपने सफ़र की ओर। तो अभी तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा, अब देखते हैं आगे कैसे होगा, और सब लोग बने रहिएगा, अब तक बने रहे हैं तो आगे भी बने रहिएगा, ठीक है। तो जी हमने मुंबई हाई जो एक्सप्रेसवे है उसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ से कनेक्ट हुए हम पलवल और फरीदाबाद के लिए, पलवल फरीदाबाद वाला रूट से जाएंगे। बारिश का मौसम है तो गुड़गांव में पानी पड़ता। तो जी हमने फरीदाबाद वाला रूट कनेक्ट किया है, मुंबई एक्सप्रेसवे हमने छोड़ दिया, तो अभी फरीदाबाद पलवल की ओर जा रहे हैं। वो इसलिए छोड़ा है ताकि जो है गुड़गांव में बारिश का मौसम है और गुड़गांव में जो है पानी भर जाता है हाईवे में, बहुत खतरनाक वाला पानी, इसलिए अच्छा है फरीदाबाद वाले रूट से निकलते हैं सीधा ISBT कश्मीरी गेट होते हुए सीधा घर की ओर, और ये आगे है टोल प्लाजा। अब ये कह रहा भाई पैसे दे दो, अब तो जी हम पहुंच चुके हैं फरीदाबाद। यह फरीदाबाद से जो बॉर्डर है बदरपुर बॉर्डर वाला रूट है, जबरदस्त वाला रूट है भाई,